आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्या है? मैटर एक पदार्थ है जिसका मास है और जो स्पेस घेरती है। जिसका मास है और जो स्पेस घेरती है वो क्या है? सब कुछ मैटर है। तो आज हम मैटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर टू टाइप पे बेस्ड है। फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे क्या है ये फिजिकल क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपने ये पहले ही पढ़े होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आपको पता होगा सॉलिड क्या है? सॉलिड क्या है? जिसका डेफिनेट क्या है? डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जिसका शेप डेफिनेट है, वॉल्यूम डेफिनेट है, वो क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो लिक्विड क्या है? जिसका शेप तो क्या है? इनडेफिनेट है। और वॉल्यूम क्या है? डेफिनेट है। मान लीजिए 1 लीटर पानी है, तो उसको अगर जग में डालेंगे तो जग की शेप ले लेगा, उसको गिलास में डालेंगे गिलास की शेप ले लेगा, रहेगा तो 1 लीटर। तो वॉल्यूम क्या है? फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन शेप जिस बर्तन में डालेंगे उसी की शेप ले लेगा, तो इनडेफिनेट शेप है। इनडेफिनेट क्या है? शेप। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज में अगर ये दो प्रॉपर्टी हो तो वो क्या है? लिक्विड है। और अगर हम करें बात गैस की, गैस क्या है? नाइदर फिक्स शेप नोर बी फिक्स वॉल्यूम। जिसका ना तो शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है, जिसका कुछ भी फिक्स नहीं है, तो वो क्या है? गैस है। जैसे O2 N2। ठीक है, तो वो क्या है? गैस है। तो हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात की, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन में दो पार्ट हैं, प्योर सब्सटेंस, इनप्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, इनप्योर सब्सटेंस। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे क्या है ये प्योर सब्सटेंस क्या है, इनप्योर सब्सटेंस क्या है। तो पहले इनप्योर की बात कर लेते हैं। इनप्योर क्या है? इनप्योर सब्सटेंस क्या है? जो मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जो इनप्योर सब्सटेंस क्या है? जो मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसमें एक से ज्यादा पार्टिकल ऐड हैं, तो वो किस श्रेणी में है? वो इनप्योर सब्सटेंस है। तो इनप्योर सब्सटेंस क्या है? जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक से ज्यादा पार्टिकल का प्रयोग हुआ है, वो क्या है? इनप्योर सब्सटेंस। तो बात करें तो प्योर सब्सटेंस आप समझ ही गए होंगे, प्योर सब्सटेंस क्या है? जो ओनली वन काइंड ऑफ, जो केवल एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हैं, वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हैं, वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस के भी तो दो पार्ट पता लगे, प्योर और इनप्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं। तो हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट होते हैं, कौन से? एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड दो पार्ट होते हैं प्योर सब्सटेंस के। आपने पहले पढ़े होंगे एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट एक तरीके का प्योर सब्सटेंस है। डेफिनेशन बता रहा हूँ, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, प्योर में से निकला है तो प्योर होगा। ठीक है, एलिमेंट एक तरीके का प्योर सब्सटेंस है जिसको
नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, जिसको हम ना बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, वो क्या है? एलिमेंट है, आपने पढ़े होंगे Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, ये क्या है? सभी एलिमेंट हैं। तो ये आपने पहले ही पढ़े होंगे, एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है जिसको हम ना बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, ठीक है? Na Mg, तो जिसको हम ना बना सकते ना तोड़ सकते, वो क्या है? एलिमेंट है। और एलिमेंट के आगे कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। कौन से? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ये आपने तीनों पहले पढ़े होंगे। ये क्या है? एलिमेंट के तीन पार्ट होते हैं। मेटल क्या है? जो गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो गुड कंडक्टर है वो क्या है? मेटल। इसको अच्छे से बताता हूं मैं, तो अगर हम बात करें मेटल, मेटल क्या है? गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें क्या है? चमक है, लस्टर है, जिसमें क्या है? चमक है। और जो क्या है? हार्ड है, ठीक है? ये प्रॉपर्टी जिसमें हो वो क्या है? मेटल। और मेटल किसका पार्ट है? एलिमेंट का। तो ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से करंट पास होता है, लस्टर जिसमें चमक होती है, हार्ड होता है जो मलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, ठीक है, वो क्या है? मेटल है। और अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो इससे उल्टा होता है, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिस जो क्या होता है? नॉन लस्टर होता है, जिसमें चमक नहीं होती, वो क्या है? नॉन मेटल। और जो सॉफ्ट होता है, मेटल की बजाय सॉफ्ट होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, वो क्या है? डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें प्रॉपर्टी सारी मेटल की हैं, लेकिन ये नॉन मेटल में आता है, ठीक है? तो डायमंड में क्या है? लस्टर भी है, हार्ड भी है, डायमंड हार्ड है, और गुड कंडक्टर, ठीक है? तो डायमंड में प्रॉपर्टी तो मेटल की है, लेकिन आता है ये नॉन मेटल में, ठीक है? तो डायमंड क्या है? एक्सेप्शन है नॉन मेटल का। अगर हम बात करें मेटलॉइड्स, बात करें मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स वो है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, बोथ करेक्टरिस्टिक, ठीक है? जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है वो क्या होता है? मेटलॉइड्स। इसके एग्जांपल देख लो, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक, सिलिकॉन क्या है? जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या कहते हैं? सिलिकॉन। और सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड्स। तो आप तीनों समझ गए होंगे, ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, इसके पार्ट है एलिमेंट के। तो हम बात कर रहे थे प्योर सब्सटेंस की, हमने बात की मेटल, नॉन मेटल, एलिमेंट के तीन पार्ट है, उनकी बात की। तो अब प्योर सब्सटेंस का एक एलिमेंट की बात कर ली हमने, तो अब बात आती है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड एक तरह का प्योर सब्सटेंस है जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एटम इन्वॉल्व होते हैं, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं जिसमें, वो क्या होता है? कंपाउंड होता है। जैसे एग्जांपल ले लो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है? कंपाउंड है। वाटर H2O, ये ठीक है? इसमें क्या होता है? H और O से मिलकर बना होता है, H और O से। तो H कितने होते हैं? दो। O कितने होते हैं? एक, ठीक है? H कितने होते हैं? दो। O कितने होते हैं? एक। तो H का एटॉमिक मास क्या होता है?
एटॉमिक मास। लेकिन हमारे पास कितने एच हैं? दो एच हैं। दो एच हैं तो एटॉमिक मास कितना हो गया? दो। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16। तो 2:16। अगर इनको हम कट करेंगे तो 1:8 की